तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको फोन पे में बैंक अकाउंट को लिंक करना बताऊंगा, और अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि फोन पे में अकाउंट को कैसे बनाते हैं, और अब हम जानेंगे कि फोन पे में बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं। तो सबसे पहले आप फोन पे की एप्लीकेशन को ओपन करें। यह इस एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है। तो इधर आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल लिखा शो हो रहा होगा। इधर अभी 20% प्रोफाइल कंप्लीट हुई है। 20% इसलिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने फोटो को अपलोड कर लिया था, इसलिए यह अभी 20% कंप्लीट शो हो रही है। 100% कंप्लीट करने के लिए फिनिश सेटअप पर क्लिक करें। इधर आपको इन सभी को फिल करना होगा, जैसे कि इस पर क्लिक करके आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। बस आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर एक्सपायरी डेट को एंटर करनी है, और फिर CVV नंबर एंटर करके ऐड कर देना है। आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने एड्रेस को भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद है एक्टिवेट वॉलेट। तो इस पर क्लिक करके आप फोनपे की वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये फोनपे की वॉलेट है, तो जो भी कैशबैक आपको उधर मिलेगा वह इसी वॉलेट में सेव होता है, इसलिए इसे आप एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के लिए इस पर क्लिक करें, फिर इधर आपको एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। इधर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड ID, कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वॉलेट को एक्टिवेट करना है तो एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जैसे कि हम पैन कार्ड को सबमिट करना चाहते हैं तो हम पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। फिर इधर पैन नंबर और पैन होल्डर का नाम एंटर करके सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके फ़ोनपे की वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगी, और आपको भी इसी तरीके का पेज शो होगा, और आपके कैशबैक का अमाउंट भी इधर ही शो होगा। तो चलिए अब बैंक अकाउंट को ऐड करने की प्रोसेस देखते हैं। तो आप तीन जगहों पर क्लिक करके फ़ोनपे में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। पहला तो यही ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके, दूसरा बैंक बैलेंस पर क्लिक करके, और तीसरे के लिए माई मनी पर क्लिक करें। उसके बाद इधर लिखा है बैंक अकाउंट, तो इस पर क्लिक करके भी आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तीनों जगहों पर क्लिक करने से सेम पेज ही ओपन होगा, तो आप किसी भी जगह पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी जगह से बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं। तो आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करें, फिर जिस भी बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस बैंक को इधर सर्च करें। जैसे कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड करना चाहते हैं तो हम पेटीएम पेमेंट बैंक सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करें, फिर ये ऑटोमेटिक सिम को वेरीफाई करेगा। तो आपका रजिस्टर नंबर उसी फ़ोन में इंसर्ट होना चाहिए, तभी ये वेरीफाइड कर पाएगा। सिम वेरीफाइड होने के बाद अगर आपको इस तरीके का पेज शो हो और लिखा हो अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, मतलब आपका नंबर वेरीफाइड हो चुका है और आपका अकाउंट फ़ोनपे में ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बैंक अकाउंट को फ़ोनपे में ऐड कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, बस जिन बैंकों को आप ऐड करेंगे उन सब पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, तभी आप उन बैंकों को इधर ऐड कर पाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि फ़ोनपे से आप कितनी तरह से पैसे को सेंड कर सकते हैं और कितनी तरह से पैसे को रिसीव कर सकते हैं। ये सब हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में जानेंगे, तो उस पार्ट को मिस मत कीजिएगा।